देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर से जो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जा रहा है 2018 के लिए, उसका जो सिलेबस है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है। देखिए इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उसकी अगर अपन बात करें तो देखिए टोटल आपसे इसमें देखिए कुल प्रश्नों की संख्या है वो 150 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। अधिकतम पूर्णांक यानी मैक्सिमम आपके 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। सभी प्रश्नों के अंक है वो कैसे होंगे, समान होंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर अपन बात करें तो 1/3 है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके इसमें क्वेश्चन आंसर है वो पूछे जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जो स्टेनोग्राफर है उसके एग्जाम का पैटर्न वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये पेपर फर्स्ट के लिए था और पेपर सेकंड है उसके लिए भी ये जो एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। देखिए इसके सिलेबस की अगर अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो इसमें देखिए आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये जो टॉपिक है GK GS से रिलेटेड ये टॉपिक है वो स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी राजस्थान का इसमें भूगोल है वो भी पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और जो स्तरीय मुद्दे हैं राज्य स्तरीय मुद्दे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। राजस्थान की हिस्ट्री भी आएगी, राजस्थान की कल्चरल है उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आंसर है वो पूछे जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं इसमें दैनिक विज्ञान से रिलेटेड यानी कि साइंस की अगर अपन बात करें तो तत्व है यौगिक और मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। भौतिक रासायनिक परिवर्तन धातु अधातु अम्ल क्षार है, प्रकाश के जो परावर्तन अपवर्तन के नियम है, विद्युत धारा ओम का नियम है, मानव मस्तिष्क है। देखिए ये विद्युत धारा वाला ये जो पार्ट है ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का ये तापीय प्रभाव, इसके लिए मैंने आपको जो टेक्निकल हेल्पर नाम नोट्स के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है अपनी प्ले लिस्ट में उसमें आपको ये जो मिल जाएंगे ये विद्युत धारा का टॉपिक है आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। और देखिए धातु अधातु के लिए भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का टेस्ट पेपर है वो आपको दे रखा है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के लिए भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। और देखिए मानव मस्तिष्क है उसके लिए आप साइंस GK कंसेप्ट नाम से जो फोल्डर बना हुआ है प्ले लिस्ट में वहाँ पर जाकर आप मानव मस्तिष्क के बारे में है वो अध्ययन कर सकते हो। जंतुओं का और पादपों का आर्थिक महत्व है आपको वहाँ भी उसमें वीडियो मिल जाएगा। तो साइंस GK कंसेप्ट के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है उसमें आपको ये लगभग टॉपिक हैं वो इसमें मिल जाएंगे तो वहाँ से आप साइंस के बारे में अध्ययन कर सकते हो। और राजस्थान की जो हिस्ट्री है, राजस्थान की जो कल्चर है उसके लिए आपको राजस्थान GK MCQ के एक्सप्लेनेशन के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है प्ले लिस्ट में वहाँ पर जाकर आप राजस्थान GK के बारे में अध्ययन कर सकते हो। देखिए बाद में बात करते हैं पेपर सेकंड के लिए। तो देखिए सेकंड पेपर में सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। देखिए सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लगभग हिंदी के जो सभी टॉपिक हैं व्याकरण के वो इसमें कवर किए गए हैं और इंग्लिश की जो ग्रामर है वो भी लगभग इसमें पूछी जाएगी। तो देखिए आर्टिकल है, डिटरमिनर है, टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, वॉइस एक्टिव, वॉइस पैसिव, वॉइस डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, प्रीपोजिशन वाले, एंटोनिम, सिनोनिम, ये जो आपके होते हैं, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल यानी ये जो शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी, लेटर राइटिंग से रिलेटेड, तो इस तरीके से इंग्लिश से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए आज ये अधिकतम पूर्णांक है 100 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकंड पेपर में जिसमें से 75 क्वेश्चन है वो हिंदी के और 75 क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। टोटल 3 घंटे का ये पेपर होगा, सभी प्रश्नों के अंक समान है और 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के द्वारा जो स्टेनोग्राफी के एग्जाम का आयोजन करवाया जा रहा है उसके लिए कंप्लीट सिलेबस है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है। इस यहाँ से आप इसी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में अलग अलग कैटेगरी वाइज कौन कौन से ये सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं इस तरीके से आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।